पांडव काल के इतिहास से जुड़ा हुआ गसोता महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सुबह तड़के से ही भक्तजनों ने लंबी लंबी लाइनों में लगकर स्वयं भू शिवलिंग की पूजा अर्चना की। वही मंदिर में कोविड प्रोटोकॉल के तहत लोगों ने मास्क लगाए रखे और कोविड गाइडलाइंस का भी पालन किया। दोपहर तक मंदिर के बाहर लंबी लंबी लाइनों में लगकर श्रद्धालुओं ने गसोता महादेव में पिंडी के दर्शन किए। मंदिर कमेटी एवं गौ सेवा आयोग के सदस्य आशीष शर्मा ने महाशिवरात्रि पर्व की बधाई देते हुए कहा कि मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है और पांडवों के समय से मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। उन्होंने बताया कि स्वयंभू शिवलिंग की पूजा अर्चना से लोगों की मनोकामना पूरी होती है। उन्होंने बताया कि मंदिर में शुक्रवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं समस्त प्रदेशवासियों का और हमीरपुर वासियों को बहुत बहुत इस पावन अवसर की बधाई देता हूं और भोलेनाथ से कामना करता हूं कि ये सबकी मनोकामना पूर्ण करें और इस जो आज का दिन है इसको हम बड़ी हर्षोल्लास से मनाएं, जिससे हमारी संस्कृति जो है वो भी आगे की जनरेशन को भी इसका मतलब हाँ जी इसका एक्चुअली ऐसा है कि जैसे मान्यता है और हम यहाँ पे पांडवों ने वास किया था, पांडवों ने कुछ समय व्यतीत किया था जब वो अज्ञातवास पे थे, तो ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जो नीचे पानी का सरोवर भी है वहाँ पे भी जो भीम द्वारा यहाँ पे गदा से पानी निकाला गया था, तो पांडवों ने कुछ समय व्यतीत किया था और ये स्वयं प्रकट हुए थे भोले शंकर जी। यहाँ पे पालकी से इनको लेके जाया जा रहा था, तो जब यहाँ पे पालकों जो पालकी लेके जा रहे थे जब वो कुछ समय के लिए विश्राम के लिए रुके, तो जब वो उन्होंने शिवलिंग को वहाँ बिठाया तो उसके बाद ये जब उन्होंने फिर से कोशिश की गई कि यहाँ आगे लेके जा रहे थे तो यहाँ से वो नहीं ला पाए और वो यहीं पे स्थित हो गए भोले शंकर जी महादेव जी। बिल्कुल यहीं से हैं जो बाहर से आए हुए हैं गाय के, और यहाँ पे जागरण का दिन में भी हुआ है प्रोग्राम और शाम को भी प्रोग्राम है। बिल्कुल सबको फॉलो किया जा रहा है कोविड गाइडलाइंस को, और सैनिटाइजर और मास्क का प्रबंध किया गया है प्रशासन मंदिर कमेटी द्वारा भी, और जो भी गाइडलाइन है सरकार की वो फॉलो की जा रही हैं। कल यहाँ पे भंडारा है, विशाल भंडारा होता है जहाँ पे पूरे इलाके के लोग आते हैं और प्रसाद पाते हैं, तो कल है, तो मेरी सबसे गुजारिश है हमीरपुर वासियों से भी कि आएँ और ज़रूर भोलेनाथ के दर्शन के साथ भंडारे का प्रसाद भी लें। मंदिर के महंत राघवानंद गिरी महाराज ने शिवरात्रि पर्व की बधाई दी और कहा कि शिवरात्रि प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के दूर दराज से कोने कोने से श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर में उमड़े हैं और मंदिर प्रांगण में भक्त लंबी लाइनों में लगकर शिव पूजा के लिए आए हुए हैं। सिद्धपीठ महादेव गुसोता जी की तरफ से समस्त हिमाचल प्रदेश वासियों को महाशिवरात्रि विशेष पर्व का बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी प्रदेशवासी को सुख शांति समृद्धि मंगल कामना करते हैं। आज इस भव्य महोत्सव में महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के दूर दराज कोने कोने से श्रद्धालुगण भक्त यात्रियों का एक अपार जन समूह सैलाब उमड़ पड़ा है। जिधर भी देखें मंदिर प्रांगण से लेकर के 250 कैनाल जमीन में तीर्थयात्री इधर उधर हर तरह से अपना आनंद का समय में भगवान का शिव जी का ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और मंदिर प्रांगण में हर प्रकार का यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष भजन भी चल रहा है। रात में जगरात्रा है, कल विशाल भंडारा भी होता है, लेकिन कोरोना को देखते हुए उस भंडारे को एक सिस्टम से किया गया है जिसमें थोड़े ही लोगों को प्रसाद करने की अनुमति होगी। ऐसे सिस्टम बना करके आज इस भव्य महासमारोह में सम्मिलित होने के लिए समस्त हिमाचल प्रदेश वासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं व आशीर्वाद देते हैं। जय महा